नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल जुगल टेक्निकल में हार्दिक स्वागत है। मैं जुगल राठौर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे साला दर्पण पर RKSM-BK आकलन 3 के नंबर अपडेट कर दिए गए हैं। RKSM-BK आकलन 3 के नंबर आप किस प्रकार देखें, किस प्रकार उसकी प्रिंट लें और किस प्रकार उसका रिकॉर्ड संधारण करना है। इसी प्रकार कक्षा 6 और कक्षा 7 ग्रीन शीट में पहले RKSM-BK 3 के और 1-2 के भी नंबर शो नहीं हो रहे थे, तो अब ग्रीन शीट में उनके नंबर भी शो होने लगे हैं। तो क्या है पूरी जानकारी RKSM-BK आकलन 3 को लेकर, मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो कम्प्लीट पूरा वीडियो देखें। और आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूं। तो शुरू करते हैं। तो देखिए साथियों, आपको सबसे पहले साला दर्पण जो है आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको साला दर्पण का पेज इस प्रकार नजर आता है। यहां पर आपको अलग अलग ऑप्शन साला दर्पण पर नजर आते हैं। साथियों, यहां पर RKSM-BK आकलन 3 जो हुआ है, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 6, 7 के उनके नंबर जारी कर दिए गए हैं। वो नंबर आपको किस प्रकार देखने हैं वो पूरी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। तो देखिए, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है RKSM-BK ऐप, देख सकते हैं आप। यहाँ पर RKSM-BK ऐप वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप RKSM-BK वाले ऐप पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको RKSM-BK ऐप में बहुत सारे ऑप्शन नज़र आते हैं। यहाँ पर RKSM-BK स्टूडेंट मार्क्स वाला ऑप्शन आपको नज़र आता है। इसी स्टूडेंट मार्क्स वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपसे क्लास और सेक्शन सेलेक्ट करवाता है। यहाँ से सभी क्लास जो भी हैं 3, 4, 6, 7 और 5 और 8वीं बोर्ड के, यहाँ पर RKSM-BK आकलन 3 न्यू हुआ है तो उनके नंबर आपको यहाँ पर नज़र नहीं आएंगे, सिर्फ 00 आपको नज़र आएंगे। यहाँ पर 3, 4 और 6, 7 के आप जो RKSM-BK आकलन 3 है उनके नंबर देख सकते हैं। तो आपको यहाँ पर क्लास सेलेक्ट करनी है। जैसे मान लीजिए, मैं उदाहरण के रूप में आपको एक कक्षा यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ, कक्षा 4 की हम बात कर लेते हैं। सेक्शन आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लें, ABC जो भी हैं, और गो पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप गो पर क्लिक करते हैं तो देख के यहाँ पर आपके नीचे स्टूडेंट के मार्क्स शो हो जाते हैं और देख सकते हैं आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। यहाँ पर स्टूडेंट के SR नंबर, स्टूडेंट के नेम है। यहाँ पर देखिए RKSM-BK 3, 1, 2 पहले हो चुका है, उनके नंबर पहले जारी हो चुके थे। अब यहाँ पर SA3 जो आपने करवाया है उसके नंबर भी यहाँ पर साला दर्पण पर शो कर दिए गए हैं। सभी स्टूडेंट के आप मार्क्स देख सकते हैं कि हिंदी इंग्लिश मैथ्स तीनों में कितने नंबर स्टूडेंट के आए हैं, सभी स्टूडेंट के आप यहाँ पर आसानी से चेक कर सकते हैं। इसके आपको प्रिंट लेनी है तो ऊपर जाकर आप यहाँ पर आसानी से इसकी प्रिंट भी ले सकते हैं। देखिए, यहाँ पर प्रिंट का ऑप्शन है, आप कंप्यूटर या लैपटॉप के माध्यम से इसकी प्रिंट ले सकते हैं। इसी प्रकार अन्य कक्षाएँ हैं, जैसे कि 3 हैं, कक्षा 6 हैं, कक्षा 7 हैं, उनके भी आप यहाँ पर मास्क जो है चेक कर सकते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर चेंजेज हो जाता है और देखिए स्टूडेंट के यहाँ पर क्लास 6 के भी जो है मार्क्स आपको नज़र आ जाएंगे। तो इस प्रकार यहाँ पर आप कक्षा 3, कक्षा 4, कक्षा 6 और 7 के जो RKSM-BK मार्क्स जारी हुए हैं वो यहाँ पर देख सकते हैं। अब साथियों, कक्षा 6 और कक्षा 7 की ग्रीन शीट आप जब डाउनलोड कर रहे थे तो वहाँ पर आपको RKSM-BK के मार्क्स नज़र नहीं आ रहे थे और ग्रांड टोटल भी आपको वहाँ पर नज़र नहीं आ रहा था। सब्जेक्ट वार जो आपका टोटल होता है वो भी आपको नज़र नहीं आ रहा था। जैसे RKSM-BK 3 मार्क्स अपडेट हुए हैं, अब वो ग्रीन शीट में भी शो होने लग गए हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखे इसके लिए आपको ऊपर आ जाना है। ऊपर आपको यहाँ पर देखिए अब परिणाम वाले ऑप्शन में जाना है। देखिए यहाँ पर परिणाम रिजल्ट वाले ऑप्शन पर जैसे आप क्लिक करते हैं तो देखिए पर आपको फिर से जो परिणाम में अलग अलग ऑप्शन नज़र आते हैं। यहाँ पर परीक्षा परिणाम प्रविष्टियाँ जहाँ पर आपने किए हैं वो ऑप्शन में जाना है और यहाँ पर अब आप देख सकते हैं जो आप पहले मार्कशीट ग्रीन शीट जनरेट की थी उसमें RKSM-BK मार्क्स नहीं थे। तो अब यहाँ पर देखिए जनरेट एंड प्रिंट मार्कशीट 2022-23 वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर नीचे आपको फिर से क्लास सेलेक्ट करनी है। क्लास 6 और 7 की हम बात कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर RKSM-BK मार्क्स सिर्फ कक्षा और 6 और कक्षा 7 में ही दिखाई देंगे। 3, 4 के लिए अलग परिस्थिति है और 9, 11 के लिए अलग परिस्थिति है। तो आप यहाँ पर 6 पर जैसे ही क्लिक करते हैं या 7 पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर क्लास सेलेक्ट हो जाती है। इसके बाद देखिए सेक्शन आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद देखिए आपको यहाँ पर ग्रीन शीट निकालनी है। यहाँ पर 100 स्टूडेंट पर क्लिक नहीं करना, 100 ग्रीन शीट पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट की अब ग्रीन शीट जो है डाउनलोड हो चुकी है, मतलब प्रिंट आप ले सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट की जो पूरी डिटेल नज़र आ जाती है। यहाँ पर RKSM-BK मार्क्स पहले नज़र नहीं आ रहे थे, अब वो भी आपको नज़र आ जाएंगे। देखिए यहाँ पर जैसे आप इस पर जाते हैं
तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट के मार्क्स जो आरकेएसएम बीके फर्स्ट हैं, सेकंड है, थर्ड हैं, वो तीनों अब यहाँ पर जारी कर दिए गए हैं। अब यहाँ पर देखिए ग्रांड टोटल जो स्टूडेंट का पहले सब्जेक्ट वार नहीं आ रहा था, खाली सो हो रहा था, वो भी अब यहाँ पर नज़र आने लग गया है। और मार्कशीट में जो पूरी जानकारी है वो भी एकदम यहाँ पर क्लियर अब आपको नज़र आने लगी है। ग्रीन शीट में देख सकते हैं आप, पहले यहाँ पर ये स्थिति नहीं थी, अब यहाँ पर सारी स्थिति क्लियर हो चुकी है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार साथियों आप पूरी मार्कशीट का यहाँ पर अवलोकन भी कर सकते हैं कि क्या कितने मार्क्स वगैरह आए हैं स्टूडेंट के, और टोटल ग्रांड टोटल कितना आया है, उसकी पूरी जानकारी अब यहाँ से आप ले सकते हैं। और साथ ही उसकी प्रिंट अब आप लेकर विद्यालय में रिकॉर्ड संधारित भी कर सकते हैं। ग्रीन शीट का आप विद्यालय में रिकॉर्ड संधारण कर सकते हैं, क्योंकि इसमें पूरी जानकारी रिजल्ट की, स्टूडेंट के फर्स्ट टर्म से लेकर एनुअल एग्ज़ाम और आरकेएसएम बीके एग्ज़ाम की पूरी जानकारी इसमें ग्रीन शीट में दी गई है। तो ये थी दोस्तों पूरी आरकेएसएम बीके 3 आकलन जो नंबर अपडेट किए गए हैं उसको लेकर पूरी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में देने का प्रयास किया। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी? जानकारी अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूँ। धन्यवाद साथियों।